students, today we will discuss the next topic of pharmacognosy, that is anti-diabetics. Anti-diabetes. अब ये diabetes है, ये ऐसी problem है हर एक घर घर में, रोजमर्रा की जिंदगी में घर घर में कोई ना कोई एक ऐसा patient होता ही है diabetes का. So first of all हम discuss करेंगे, let's begin with the introduction of diabetes, कि actually में diabetes होती क्या है. और एंटी डायबिटिक्स वो होते हैं द एजेंट्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सो लेट्स बिगिन विद द डायबिटीज. इसमें जो प्रॉब्लम है, दैट इज जो डिजीज है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस. ये इट इज कैरेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ, इसमें क्या होता है, जो बॉडी की नॉर्मल जो एबिलिटी है टू मेटाबोलाइज और यूटिलाइज द फूड, वो उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है. वो नॉर्मली जैसे उसका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना है, उसको नॉर्मली जो बॉडी में यूटिलाइजेशन करना है, वो नॉर्मल वे से नहीं होती ग्लूकोज, जो कि डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट होते हैं. तो बेसिक कॉज क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो फॉल्टी हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है इन ब्लड, एंड दैट विल लीड टू hyperglycemia. Hyperglycemia कॉज कर देता है. और जब इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है, दैट कंसनट्रेशन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है जो शुगर है, उसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया. ये भी एक तरह की डिजीज होती है. सो ये होती किसके कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाज है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और उसके कारण क्या होता है, जो इंसुलिन होता है उसकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है. अब देखो जो हार्मोन्स है उसी में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होने लगी, तो उसमें जो स्टोरेज है कमी होने लगी, तो उसकी उसको पूरा करने के लिए जो शुगर है उसकी स्टोरेज करने लग जाएगा लीवर के अंदर. अब लीवर में स्टोरेज ज़्यादा होगी तो शुगर की ओवर प्रोडक्शन होने लग जाएगी लीवर में. सो इट विल लीड टू डायबिटीज, वो डायबिटीज कॉज कर देगा. ऐसे ही क्योंकि जो इंसुलिन है, जो हार्मोन इंसुलिन है, वो सिर्फ नॉर्मल कंबशन नहीं करता डेक्सट्रोज की, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज की, उसका काम क्या है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है या फैट का मेटाबॉलिज्म है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन का काम उसमें भी है, इंसुलिन का उसमें भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. सो द मेन कॉज क्या है, कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है, उसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम कॉज होती है. बेसिकली डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत से देर आर सेवरल सिंथेटिक कंपाउंड्स अवेलेबल इन द मार्केट, दैट आर टोलुब्यूटामाइड एंड क्लोर प्रोपामाइड. इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कंपाउंड्स विच आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. बट इन फार्माकोग्नोसी वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के ट्रीटमेंट में. तो इसमें आ जाता है जैसे जिमनीमा हो गया, बिटर गॉर्ड करेला हो गया, एंड टैरोकार्पस हो गया, जम्बूल हो गया. इस तरह के कुछ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जिससे हम जो डायबिटीज़ है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस, डी फार्मेसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम दो ड्रग्स की फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज जिमनीमा एंड टैरोकार्पस. तो हम सबसे पहले जो ड्रग है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ड्रग ऑफ फर्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग, दैट इज जिमनीमा. सिनोनिम की बात करें, इसको गुडमार भी कहते हैं, मधुनाशिनी भी कहते हैं. ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, और भी कुछ बुक्स में अवेलेबल हैं, जो मोस्टली जो कॉमन जो सिनोनिम्स हैं दैट आर गुडमार एंड मधुनाशिनी. देखो मधु नाशिनी के नाम से ही, मधु मीन्स मीठा, नाशिनी मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, मधु नाशिनी. तो इसी से ही जो डायबिटीज है, मधु मीन्स मीठा, शहद को बोलते हैं ना मधु मीन्स मीठा, नाशिनी मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करना, यहाँ से आपको इजीली लर्न हो जाएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स, कि इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है. सो इट
इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, जो लीव्स होते हैं प्लांट नोन एज जिमनिमा सिल्वेस्ट्रे. Inositol,
दीज आर द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि बहुत रेयर का बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बट इसकी जो अमाउंट होती है वो कंपैरेटिवली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसमें मेनली एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स और अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स में वेलाइन हो गया, एल्ब्यूमिन, फाइटिन, ऑर्गेनिक एसिड, स्टिग्मा स्टीरोल हो गया, ये अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। वी डिस्कस अबाउट द यूजेस। अब हम बात करें इसके यूजेस, क्या थेरेपेटिक इफेक्ट होते हैं, किसमें यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन द हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीटमेंट, हाइपोग्लाइसीमिया जब शुगर लेवल डाउन हो जाता है, हाइपर में बढ़ जाता है, इसमें डाउन हो जाता है। कफ के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, कफ, फीवर के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। और इसको जैसे ये अच्छा डाइन, इसको स्टिमुलेंट की तरह भी यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट। एंड डाइयूरेटिक, ये एक डाइयूरेटिक भी है। स्टिमुलेंट क्या होता है? स्टिमुलेंट वो एजेंट होते हैं जो टेम्परेरी किसी भी फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, चाहे वो हार्ट की फंक्शन है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की फंक्शन है, चाहे वो जीआईटी की, उसकी जो फंक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको स्टिमुलेंट कहते हैं। डाइयूरेटिक्स क्या होते हैं? डाइयूरेटिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देता है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, उनको डाइयूरेटिक। तो ये डाइयूरेटिक की तरह भी एक्ट करता है। सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस, थेरापेटिक यूजेस ऑफ जिमनिमा। ये जिमनिमा के थेरापेटिक यूज हो गए। सो कम टू द नेक्स्ट ड्रग, ये हमारी जिमनिमा हो गई, जिसको गुडमार और मधुनाशिनी भी कहा जाता है। ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? जो जिमनिमा सिल्वेस्ट्री के लीव्स होते हैं, जो कि एस्केबिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स और अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स में वेलाइन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, फाइटिन हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। माइनर में जो बहुत रेयर अमाउंट में होते हैं, दैट आर रेजिन, आइनोस्टिरोल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड जिमनामिक एसिड, इसमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक, कफ, फीवर, और ये स्टिमुलेंट की तरह भी एक्ट करता है, एंड डायूरेटिक एक्शन भी होता है इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्रग, जो हमारी पहली ड्रग थी उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट हमारी ड्रग है, दैट इज टेरोकार्पस। टेरोकार्पस ये हमारी नेक्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेरोकार्पस है, इसका जो सिनोनिम है, किस नेम से इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? एक तो बीजासल एंड इंडियन कीनो ट्री, बीजासल, इसको बीजासल भी कहा जाता है, इंडियन कीनो ट्री। इसके और भी कई नेम्स हैं, मालाबार कीनो ट्री भी कहा जाता है। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स, कहाँ से अवेलेबल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट जूस ऑफ प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम।
होता है डायरोकार्पस मार्सुपियम का, उस जूस को बॉयल किया जाता है तो उसको ड्राइड जूस बोल दिया। अब इट बिलोंग्स टू द फैमिली की बात करें, इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। इफ इट कम्स टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बड़ा रूबी रेड कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और इसका एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। तो और ये सॉल्युबिलिटी, जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबलाइज करता है, सॉल्युबल होता है ये वाटर में, और पार्टली सॉल्युबल होता है वाटर में, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है 90% अल्कोहल में। उसके बाद नेक्स्ट इसका आ जाता है, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक इफेक्ट और जो एंटी डायबिटिक एक्शन शो करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, दैट आर इमिडाजोल अल्कलॉइड्स, मोस्टली इसमें इमिडाजोल अल्कलॉइड्स होते हैं। इट कंटेन्स इमिडाजोल अल्कलॉइड्स। अब इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में क्या आ जाता है, कीटोटैनिक एसिड आ जाता है, गैलिक एसिड आ जाता है, कुछ रेजिन भी प्रेजेंट होते हैं। कीटो कीनो टैनिक एसिड, एसिड गैलिक एसिड, रेजिन, ये प्रेजेंट होते हैं इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में। जो कीटोटैनिक एसिड है ये बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिल टैनिन होता है एंड इसमें एक कीनो रेड नाम का भी एजेंट होता है, दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ कीनोइन, कीनोइन का एनहाइड्राइड होता है जो कीनो रेड होता है। कीनो रेड भी प्रेजेंट होता है इसमें, दैट्स व्हाई इसके कारण इसका जो रूबी रेड कलर होता है। लेट्स कम टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या है, इसके जो सैंपल है, अगर सैंपल के साथ हम फेरस सल्फेट को ऐड कर देंगे तो ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा, विच विल रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ बी, इसमें क्या है टैरोकार्पस या फिर इमिडाजोल अल्कलॉइड प्रेजेंट है। और इसमें जो नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज इसमें अगर इसको अल्कली यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले ली, उसको सैंपल के साथ ऐड करें तो आफ्टर द एडिशन ऑफ अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो इसको किस तरह का कलर इम्पार्ट करेगा, इट विल इम्पार्ट द वायलेट प्रेसिपिटेट, ये वायलेट कलर इम्पार्ट करेगा। अगर हम इस सैंपल को मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें यूजेस। तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जैसे इसमें ये सैंपल है, सैंपल के साथ क्या क्या एडिशन करनी है, अगर सैंपल के साथ फेरस सल्फेट ऐड किया, सैंपल के साथ अल्कली यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया एंड मिनरल एसिड ऐड किया, तो इट विल इम्पार्ट फेरस सल्फेट के साथ ये क्या करेगा, ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा, ग्रीन कलर, और एल्कली के साथ वायलेट कलर, और मिनरल एसिड के साथ प्रेसिपिटेशन करेगा। ये इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। Now come to the next point, that is
यूजेस, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें कि किस किस डिजीज के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, सो इट इज वेरी यूजफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी डायबिटिक एजेंट है, तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में तो यूजफुल होगा ही. इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है? इट इज ऑल्सो यूजफुल टू करेक्ट द डायरिया. डायरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. एंटी डायबिटिक तो ये है ही, टूथहेक के, अगर टूथहेक होता है उस प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में टूथहेक को करेक्ट करने के लिए. और इसमें जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है, एस्ट्रिंजेंट मीन्स जो कुछ एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन को, एंड दैट विल कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू. प्रेसिपिटेशन होने के बाद प्रोटीन की कंट्रैक्शन हो जाती है टिश्यू की, जैसे टैनिक एसिड हो गया. एस्ट्रिंजेंट की तरह भी एक्ट करता है ये. और ये तो होगा कुछ थेरापेटिक, डायबिटिक इफेक्ट तो है ही. डायबिटिक्स, डायबिटिक के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये. दीज आर द थेरापेटिक इफेक्ट. अगर कमर्शियली देखा जाए तो इसको पेंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए या डाइंग के लिए भी यूज किया जाता है. डाइंग, डाइंग और प्रिंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है. तो ये तो इसके कुछ थेरापेटिक इफेक्ट हो गए. डायरिया आपको पता ही है, जब फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होता है उसका फीकल मैटर का, बहुत ही फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होता है उसको डायरिया कहते हैं. डाइसेंट्री में आपको पता है म्यूकस और ब्लड का डिस्चार्ज होता है फीकल मैटर के साथ. टूथहेक में भी, टूथहेक की प्रिपरेशन है, उसकी मेडिसिन की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है टूथहेक के ट्रीटमेंट के लिए. एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है इसकी, मतलब कि ये प्रेसिपिटेट कर देता है प्रोटीन को, जो क्या करता है टिश्यू की कंट्रैक्शन करता है, जैसे टैनिक एसिड हो गया. डायबिटिक एक्टिविटी तो है ही. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी डायबिटिक्स ड्रग, जो कि हमने दो पढ़ी है, एक तो जिम्निमा और एक टेरोकार्पस. टेरोकार्पस में हमने पढ़ा है कि इसको बीजासल एंड इंडियन किनू ट्री भी कहा जाता है, इसका सिनोनिम है. और ये ड्राइड जूस, यानी जूस को बार बार बॉयल करके, किस प्लांट के जूस के, टेरोकार्पस मार्सुपियम के जूस को बॉयल करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है. इसमें जो मेन जो इंग्रेडिएंट होते हैं दैट इज इमिडाजोल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर किनोटैनिक एसिड एंड गैलिक एसिड. कुछ रेजिन की अमाउंट भी इसमें प्रेजेंट होती है. और किनो रेड होता है, जो किनो रेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रेड कलर, रूबी रेड कलर के लिए. एंड जो किनो रेड होता क्या है, बेसिकली इट इज एनहाइड्राइड ऑफ किनोइन, किनोइन का एनहाइड्राइड होता है. और किनोटैनिक एसिड क्या होता है, किनोटैनिक एसिड इज द ग्लाइकोसाइडल टैनिन, ये ग्लाइकोसाइडल टैनिन होता है. और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया हमने कि फेरस सल्फेट के साथ इम्पार्ट ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है. एंड विद अल्कली के साथ, अल्कली में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ वायलेट कलर इम्पार्ट करता है. एंड विद मिनरल एसिड के साथ ये प्रेसिपिटेशन करता है. सो दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की सैंपल के साथ अगर ये इन सब चीजों की एडिशन करोगे तो ये इस तरह का कलर इम्पार्ट करेगा, विच विल रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ टेरोकार्पस, की टेरोकार्पस उसमें प्रेजेंट है. और यूजेस, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डाइसेंट्री, टूथहेक एंड एक्ट एज एस्ट्रिंजेंट एज इट इज बिलोंग टू द एंटी डायबिटिक्स. तो ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होता है. और ये तो कुछ थेरापेटिक इफेक्ट थे, कुछ कमर्शियल इफेक्ट है, ये डाइंग में और प्रिंटिंग में भी यूजफुल होता है. सो दीज आर द टू ऑफ द ड्रग, एंटी डायबिटिक्स ड्रग, जिम्निमा एंड टेरोकार्पस अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी सिलेबस. ये आपका कंप्लीट हो गया. होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.